कंटिन्यू लेसन 16 पार्ट 2 वाटर मैनेजमेंट. यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मेनी प्लेसेस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय ए वेल प्लानड पाइप सिस्टम. हमारे घरों में जो है सभी पानी जो प्रोवाइड करते हैं वो एक तरीके से पाइप सिस्टम के द्वारा योजना बनाकर किया जाता है. व्हेन द सिविक अथॉरिटीज सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन. जो है सिविक अथॉरिटी मतलब नागरिक का जो अधिकार है अथॉराइट है उसके द्वारा जो है पानी का सप्लाई पाइप्स से और डेस्टिनेशन मतलब उनके जहाँ पर गंतव्य स्थान तक सभी को एक साथ नहीं पहुँचाया जा सकता. यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड ए लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप. तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो वाटर सप्लाई पानी के द्वारा होता है वो कभी कभी पाइप जो है लीक हो जाते हैं और उनसे जो है बहुत सारा पानी जो है उन पाइप से बाहर की ओर आ जाता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिविक अथॉरिटीज होते हैं जो हमारे घरों में पानी पहुँचाते हैं उनकी ये जवाबदारी होती है कि वो इसकी पानी का मूल्य समझे और उसको वेस्टेज नहीं होने दे. मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल आल्सो ऑल ऑफ अस नोविंगली आर अनोविंगली. मतलब कि ये जो पानी का वेस्टेज पानी होता है तो उसमें मिस मैनेजमेंट मतलब कहीं ना कहीं अव्यवस्था के कारण होता है जिसमें कि उनका अनविजुअल मतलब अनदेखा कर देते हैं और ये नोविंगली मतलब अनदेखा जानते अनजान में भी इस तरह की गलतियाँ हो जाती है. वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ शेविंग बैथिंग वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मेनी अदर एक्टिविटीज. लीकिंग टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ हग वाटर वेस्टेज. वी वेस्ट वाटर एस दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम. जैसे कि हम ब्रश करते हैं या शेविंग करते हैं नहाते हैं या बर्तन धोते हैं तो इसमें भी हमारा बहुत सारा पानी इन गतिविधियों में भी वेस्ट होता है कि एक हम किसी बर्तन में लेके पानी धोते हैं और एक नल से धोते हैं तो उसमें भी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. और हमारे घरों के जो नल है वो टपकना नहीं चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए उनसे भी पानी. तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा मतलब विशाल पानी का स्रोत जो है कम होता जाता है. और यदि इस प्रकार से हम पानी का वेस्टेज करते जाएंगे तो हमें आने वाले समय में पानी उपलब्ध नहीं होगा. वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे. दिस इज ए वेस्ट ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स. हम देखते हैं कि जो बारिश का पानी होता है वो भी फ्लो अवे मतलब बहुत दूर दूर तक बहता हुआ चला जाता है और ये भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज है. द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. रेन वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर से उसका उपयोग हम रिचार्ज करके कर सकते हैं. दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6. क्लास 6 में आप वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ चुके. फाउंड आउट इफ़ द बिल्डिंग्स इन यूर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन स्टाइल. आप देखो कि आपके पास जो बिल्डिंग बनी है पड़ोस में उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है या नहीं. वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरी. बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्शन वाटर. आपने देखा होगा हमारे देश में कई जगह पर जो है पानी का स्टोर बावड़ी में किया जाता है और ये बावड़ी में पानी कलेक्ट करने का एक पुराना तरीका है. विद टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड फिलिंग इन दिस रिजर्वेज. आजकल जो है आज के ज़माने में इस बावड़ी का उपयोग जो है गार्बेज या कचरा इकट्ठे करने के लिए और उसमें कचरा इकट्ठा करके उसको पिलिंग कर देते हैं भर देते हैं. हाउ वेयर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज. इसलिए पानी की कमी होती है. पीपल इन दिस एरियाज हैव हैड टू रीथिंक. इस पर हमें लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए. द बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड. बावरी को हमको पुनः प्रचलन में लाना चाहिए. टूडे द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्केंटी रेन्स दिस प्लेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल. और सिचुएशन को देखकर हमें इसको जहाँ पर कम वर्षा होती है तो वाटर का मतलब हमें अच्छे से मैनेजिंग पानी बचाने के लिए उसको अच्छे से मैनेजिंग करना चाहिए. ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली मेबल. यू हैव हियर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट. किसान जो है उस पानी का उपयोग अपने खेत में आर्थिक रूप से उपयोग में लेता है. और कभी कभी आपने इसके ड्रिप इरीगेशन के बारे में सोचा होगा जो कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है. तो ड्रिप इरीगेशन जो है पानी पौधों में पानी देने की
एक बहुत अच्छी टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि नैरो ट्यूबिंग यानी पतले पतले कुछ ट्यूब्स होते हैं जिसके द्वारा कि पौधों को डायरेक्टली पानी दिया जा सकता है। भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज अ वेरी इरिटेटिक रेनफॉल। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट ऑफ द ईयर। भोजपुर जो कच्छ एरिया है गुजरात का, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, तो इससे जो है वहाँ पर फ्रेश वाटर का जो है ज़मीन के अंदर स्रोत मतलब कम प्राप्त होता है, और वहाँ की जो नदियाँ हैं वो हर समय उनमें पानी पूरे साल नहीं रहता है। ओवर द ईयर डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन, द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फॉर एक्सिस्ट रिजर्व। और वो क्या पानी की कमी को जो है वो हमेशा ग्राउंड वाटर के द्वारा ही पूरी मतलब उसको रिचार्ज करके ही पूरी करते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर टेबल हैज़ गोन डाउन अलमेरिजली, तो इसलिए जो है वहाँ की वाटर टेबल ऑलरेडी हमेशा नीचे ही रहती है। इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विथ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। तो 1989 में जो है वहाँ के गांव में जो है जो नॉन गवर्नमेंट मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाए। तो 18 चेक डैम्स वेयर बिल्ट ऑन द रुक्मावती रिवर एंड इस मैनी ट्राइबर्सेज। तो वहाँ पर जो है कम से कम 18 डैम्स बनाए गए, और जो रुक्मावती रिवर थे उसके ऊपर उसके अंदर जो है उनकी सहायक नदियों को भी उस जोड़ के उनके ऊपर डैम्स बनाए गए। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज्ड परकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वीफर। तो उससे जो है उनके अंदर पानी इकट्ठा ज़्यादा होने लग गया, और फिर वो जो पानी है धीरे धीरे जो है उसका परकोलेशन होकर उसको रिचार्ज करके फिर वह काम में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोट इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन। तो इसके अनुसार जो किसान के कुएं से पानी को अब कुएं से प्राप्त करते हैं और दैट फ्लो इनटू द सी, और फिर वो पानी जो है सी में बहता रहता है, तो इस प्रकार से जो है पानी वेस्ट नहीं होता है और उनको वो पानी जो है सिंचाई के लिए वो उपयोग में ले लेते हैं। वट रोल यू कैन प्ले, आप पानी को बचाने के लिए कौन सा रोल अदा कर सकते हो। हैव यू एवर शोन कॉन्सर्न इफ़ यू सॉ ए टैप लीकिंग इन योर हाउस स्कूल और एनी अदर प्लेसेस। लीकिंग टैप्स वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द लीकेज। यदि आप आपके स्कूल में या घरों में कहीं भी पानी को लीकेज देखते हो, नलों से पानी को टपकता हुआ देखते हो, तो उस पानी को हमें उससे जो है बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए उसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। लेट अस बिगिन, वी हैव गिवन ए फ्यू एग्जांपल एड ऑन। तो कभी कभी मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम पानी को वेस्टेज करने से बचा सकते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे। वाटर वाइस एबिस टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जब तक हम ब्रश करते हैं तो हमको नल को बंद रखना चाहिए। मोप ऑफ फ्लोर इन स्टेड ऑफ वॉशिंग, फर्श को धोने की जगह उन पर सिर्फ पोचा भी लगाया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिटी ऑन प्लांट्स, पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें पौधे अधिक लगाना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन पोटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज। आप देखते हो कि हमारे जो पोटेड के प्लांट्स होते हैं वो कुछ ही दिनों में यदि उनको पानी नहीं देंगे तो सूख जाते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि पानी को जो पौधों को जो है पानी की आवश्यकता होती है और वो सोइल के द्वारा भोजन बन सोइल के द्वारा उनको प्राप्त होती है। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। आप सोचो कि यदि इसका परिणाम क्या होगा कि यदि पौधों को पानी प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लेनेट शैल बी लॉज। तो जो हमारे जो पृथ्वी जो हमारा एक ग्रह है उस पर जो है ये ग्रीन कैरेक्टर है वो एक तरीके से उसकी कमी होती जाएगी। दिस में मीन द एंड ऑफ लाइफ फॉर ए वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड नो ऑक्सीजन नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम। यदि हमको पानी नहीं मिलेगा तो ग्रीन कैरेक्टर नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है, और वर्ल्ड पे जो है यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो हमको भोजन भी नहीं प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी और पानी भी पर्याप्त नहीं होगी, और असंख्य यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी।
स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग्स, प्रेसियस, कीमती या मूल्य, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, परकुलेशन, टूटना, एक्वीफर, जली चट्टानी पर, डिप्लेशन, व्यय करना, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन, इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। ग्राउंड वाटर को किस प्रकार से रिचार्ज किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए आंसर। द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मीन्स सिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डिप्स बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज करते हैं उसका मुख्य प्रोसेस जो है वो इनफिल्ट्रेशन होता है। और इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जो रिवर्स और लेक्स के अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है तो वह वहाँ से धीरे धीरे रिस कर जो है क्रैक्स और क्रैक्स जो उनके बीच में क्रैक्स होते हैं उनके अंदर नीचे गहराई तक वह चला जाता है। क्वेश्चन 2, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस, व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। यदि एक ही लाइन में 50 घर है और उनमें 10 ट्यूबवेल है तो आने वाले समय में वाटर टेबल पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर, द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। वाटर टेबल जो है उस पर डिपेंड करती है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर की पूर्ति वह किस आधार पर पूर्ति होती है या नहीं। ओनली 5 फैमिलीज विल शेयर अ ट्यूबवेल। यदि 5 परिवार ही उस ट्यूबवेल के पानी को शेयर करते हैं तो द वाटर यूज्ड फॉर डेली डोमेस्टिक पर्पस विल नॉट इफेक्ट द वाटर टेबल। तो और कुछ घरेलू उपयोग के लिए यदि हम उस पानी को उपयोग लेते हैं तो उससे जो है वाटर टेबल इफेक्ट नहीं होगी। बट इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ रेन, यदि पानी की कमी होगी तो द वाटर यूज्ड बाय द फैमिली विल नॉट रिप्लेनिश्ड एंड वाटर ट्यूब टेबल विल फॉल डाउन। तो यदि उस पानी की कम बारिश कम होगी और पानी का उपयोग फैमिली के द्वारा किया जाएगा और फिर उसका जो फैमिली द्वारा जो पानी का उपयोग किया जाता है उसकी पूर्ति वाटर टेबल के द्वारा वापस नहीं होगी तो उससे जो है वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे की ओर जाती जाएगी। क्वेश्चन 3, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। आपको एक गार्डन को मेंटेन करना है तो उसमें आप पानी का उपयोग कम से कम किस प्रकार से कर सकते हैं। आंसर, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर वी विल यूज ऑफ द ड्रिप इरीगेशन विच थ्रोस द वाटर ऑफ द बेस ऑफ द प्लांट। हम पानी का कम से कम वेस्ट करके जो है पानी को इस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं कि ड्रिप इरीगेशन यानी बूंद बूंद के द्वारा। तो उससे क्या होता है बूंद बूंद सिंचाई से कि पानी जो है डायरेक्ट पौधों की जड़ों में ही जाता है। वी विल चेक द लीकेज इन द वाटर पाइप्स एंड अरेंज स्मॉल पिट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हम क्या करेंगे उस लीकेज को चेक करेंगे कि पाइप से जो है कुछ पानी तो लीकेज नहीं हो रहा है और उसमें जो है स्मॉल पिट से छोटे छोटे गड्ढों के द्वारा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पाइप से पानी भेजेंगे। द कलेक्टेड रेन वाटर विल बी यूज्ड लेटर। और फिर इस प्रकार जो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का फिर उसको हम बाद में उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके कारण की वाटर टेबल जो है डिप्लेशन या वाटर की कमी होती है। नंबर आंसर, वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। नंबर 1 है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। डिमांड ऑफ वाटर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। पानी का उपयोग या पानी की डिमांड जनसंख्या के बढ़ने के कारण बढ़ी है। एज द नंबर ऑफ ह्यूमंस इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी का उपयोग भी अधिक होगा। नंबर 2, इरेसिसिंग इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री का बढ़ना। All industries need water as the number of human population increase, the number of industries are also increased the consumption of water. उद्योग धंधे या फैक्ट्रियों के बढ़ने से क्या होता है कि पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो as the number of human population, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या के बढ़ने से इंडस्ट्री भी अधिक ज़्यादा बढ़ गई है और इंडस्ट्री के बढ़ने से जो है पानी की खपत या पानी को ज़्यादा उपयोग में लिया जाने लगा। नंबर 3, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कृषि गतिविधियाँ। इंडिया इज ए कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। हमारा देश जो है वो भारत देश जो है वो अधिकतर खेती के ऊपर निर्भर है। द लैंड यूज फॉर कल्टिवेशन हैज इंक्रीज। और वहाँ की भूमि को जो है कल्टिवेशन के लिए खेती के लिए उपयोग में
इंक्रीज मतलब खेती ज़्यादा होती है, बढ़ती जाती है, सो द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज। और इस कारण जब एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा, कृषि ज़्यादा इंक्रीज होगी तो पानी का उपयोग भी ज़्यादा होगा। इरेगुलर रेनफॉल हैज इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, अनियमित बारिश के कारण जो है ग्राउंड वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। दिस हैज इंक्रीज द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसलिए जो है ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे इंक्रीज या कम, ग्राउंड वाटर का जो डिप्लेशन, पानी का जो डिप्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन 5, मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। नंबर 1, द फ्रेश वाटर स्टोरेड इन ग्राउंड इज मच मोर देन द प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में नदी और तालाब के अंदर जो है ज़्यादा पानी, फ्रेश वाटर ग्राउंड के अंदर जो है उनके ग्राउंड के अंदर जो फ्रेश वाटर अधिक है। ट्रू। बी, वाटर शॉर्टेज इज़ ए प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। क्या पानी की कमी की समस्या जो है केवल रूरल एरिया में ही लोगों को, जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो फॉल्स। सी, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स। सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए पानी केवल नदियों में ही उपलब्ध है? तो फॉल्स। डी, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू वेल एंड हैंडपंप। पीपल जो है ग्राउंड वाटर को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? वेल और हैंडपम्प्स के द्वारा, कुएं और हैंडपम्प्स के द्वारा। बी, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पानी जो है हमें तीन रूपों में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। सी, द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वीफर। जो पानी की, जमीन के ऊपर जो पानी की लेयर है उसको हम एक्वीफर कहते हैं। डी, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो पानी का जो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर टपकना है, वाटर जो सीपेज होता है ग्राउंड के अंदर, इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर को चुनिए। नंबर 1, द टोटल वाटर, कुल पानी ए इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नदी और तालाबों के अंदर जो है पूरे संसार में वो कॉन्स्टेंट। बी, अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये जमीन के अंदर जो कॉन्स्टेंट है। सी, इन द सीज एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डी, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब पूरे संसार में जो कॉन्स्टेंट बचे हैं वो सत्य है, डी वाला। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्टोरेज। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कि पानी स्टोरेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? नंबर 1, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री की वृद्धि होना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पानी पॉपुलेशन बढ़ना, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा पानी गिरना, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स या वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट सही नहीं होना। तो हैवी रेनफॉल जो है वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है पानी की स्टोरेज के लिए। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है एंड लर्न करना है। थैंक्स।